आज मैं क्या लेकर आई हूँ पता है आप लोगों को? आज मैं बनाने वाली हूँ मेथी के थेपले। तो ये है गुजराती डिश, पर इसको हम बनाएंगे अपने स्टाइल में। तो बने रहिए वीडियो पे लास्ट तक। अगर वीडियो अच्छा लगे और भी आप लोग देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो लाती रहती हूँ जिससे कि हम मिडिल क्लास फैमिली वाले भी अपने खाने को छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा टेस्टी बना सकते हैं। तो चलिए, मेथी को मैंने पहले ही कट करके रख दिया था क्योंकि इसको कट करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो अच्छे से हम मेथी को दो बार धो लेते, 2 से 3 बार, क्योंकि अभी मिट्टी चिपक के आ रही है ना मेथी में, इसलिए। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, अगर सुबह इस्तेमाल करना है तो रात को कट करके उसको थैली में पैक करके या फिर एयर टाइट डिब्बे में पैक करके उसको रख सकते हो। उसके बाद हमने लिया है आटा, और आटा हम ले लेंगे थोड़ा सा, और इसमें ही हम ले लेंगे बेसन, क्योंकि आटे के साथ बेसन डालेंगे ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए फटाफट से बेसन डाल देते हैं। और आज मैंने एक ऐसी चटनी बनाई भैया, इतनी अच्छी बस चटनी बनाई, इतनी ज़्यादा टेस्टी कि आप लोग जरूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि थेपले के साथ क्या होता है कि चटनी बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर हम इसमें डाल देते हैं, और फिर फटाफट से हम लगाएंगे आटा। तो चलिए, सारे मसाले जो भी आपको अच्छे हो वो आप इसमें डाल सकते हो, और आपको जो पसंद नहीं है वो आप स्किप कर सकते हो। तो चलिए, अच्छे से पहले तो हम मेथी के साथ इसको अच्छे से मिलाएंगे, क्योंकि मेथी में थोड़ा बहुत पानी रह जाता है वरना बाद में आटा गीला हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से हम लगाते हैं आटा और फिर बनाएंगे थेपले किस तरीके से। बहुत लोग इसमें दही भी डालते हैं, लेकिन दही अभी था नहीं मेरे घर पे। आप लोग इसमें दही भी मतलब डाल के बना सकते हो। तो आटा हमारा लग चुका है, करेंगे गैस को ऑन फटाफट से। अब हम जल्दी जल्दी बनाएंगे पराठे। बहुत लोग क्या करते हैं, पराठों को गोल भी बना लेते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा बनाना, लेकिन मैं तिकोने पराठे बनाने वाली हूँ, 3 फुट के पराठे बनाने वाली हूँ, जिससे क्या होता है कि अच्छे से अंदर से अच्छे से सिक जाते हैं। तो इस पर थोड़ा लगाएंगे तेल और इसको इस तरीके से हम पलटेंगे और इसको फटाफट से बेल देंगे। और अगर आप लोगों को इस तरीके से नहीं बनाना है तो आप एक काम भी कर सकते हो, मेथी को थोड़ा सा उबाल सकते हो, उसके बाद बना लेना। लेकिन क्या होता है, अगर हम कच्ची मेथी से बनाते हैं ना तो इसके जितने भी पोषक तत्व होते हैं ना वो मतलब पराठे में ही रह जाते हैं, उबाल लेते हैं ना तो सारे निकल जाते हैं पानी में। तो चलिए, इसको डाल देते हैं तवे पे, एक और बड़े बड़े पराठे बना लेंगे ना, क्योंकि हम दोनों हैं, कोई मेहमान तो है नहीं, तो जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं और गैस भी ख़त्म नहीं होती ज़्यादा, और टाइम भी हमारा कम लगता है। तो इसको फटाफट से हम सेक लेते हैं, ये देख लीजिए इस तरीके से। और इसको बनाने के बाद मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि थेपले के साथ चाय पियेंगे, तो चाय बनाने के लिए रखना है अभी मुझे। और फटाफट से पहले मैं बनाती पराठे और फिर बनाऊंगी मैं चटनी। तो आप लोग भी ज़रूर बताना, आज मेरे पति का मन था थेपले और चाय और चटनी खाने का। तो चलिए, आप लोग भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि एक ही तरह का खाना खा खा कर हम बोर हो जाते, तो कभी कुछ ना कुछ तो नया ट्राई करना ही चाहिए। बच्चे भी बोर, ऐसा नहीं है कि जिस घर में बच्चे नहीं है वहाँ पे बड़े लोग बोर नहीं होते, उनको भी कुछ अलग टेस्टी चीज़ चाहिए होती खाने के लिए, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। तो चलिए फटाफट से हम इसको पलट देंगे और फिर बनाते हैं चटनी। तो चलिए पास से दिखाती हूँ आप लोग को, सच बता रही हूँ इतनी ज़्यादा टेस्टी पराठे बने थे, मैं कुछ कह नहीं सकती, बहुत ज़्यादा टेस्टी। सिक चुका हमारा पराठा, इसको निकाल के हम रख देंगे। ये है हमारे आटा और ये हमने बेला था वो बेलने के लिए, और ये देखिए इसको निकालते फटाफट से रख देते हैं टिफिन में गर्मा गर्म। अभी मेरे हस्बैंड आए नहीं है, उन्होंने मुझे फ़ोन कर दिया था कि वो 15 मिनट में आ रहे हैं, तो मैंने फटाफट से अपने काम में जुट गई, क्योंकि 15 मिनट में तो ठंडे होंगे नहीं, क्योंकि 15 मिनट में ये बन के रेडी ही हो पाएंगे। तो चलिए फटाफट से अब मैं बनाती हूँ। सारे हमने थेपले बना लिए, चाय बनने के लिए रख लिए, चाय भी लगभग हमारी बन चुकी है, तो चटनी के लिए हमको क्या चाहिए वो सुन लीजिए आप लोग। हमने 1 चम्मच ली है सौंफ, और उसके बाद हमने लिए 2 या 3 टमाटर, छोटे छोटे थे इसलिए हमने 3 ले लिए हैं, और 3, 4 से 5 हरी मिर्ची ले ली है। तो एक बात और भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हमारे यहाँ टमाटर बहुत सस्ते हो गए हैं, अभी 60 रुपये किलो हो गए हैं। आप लोग के यहाँ कितने रुपए किलो चल रहा है मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अभी धीरे धीरे सस्ते हो जाएंगे तो आराम से पहले की तरह हम टमाटर खा सकते हैं। तो ये है धनिया, धनिया को भी हम अच्छे से धो लेंगे, और इसमें ही हम इसको कट करके हम इसलिए डालते हैं जिससे कि जल्दी से पिस जाएंगे। तो ये हमारा मसाला मतलब चटनी पीसने की कटोरी है, मतलब बॉक्स है, इसके जो ढक्कन है वो थोड़ा टूट गया है, उसमें से बाहर निकल आता, कोई बात नहीं एडजस्ट कर लेंगे। थोड़ा सा नमक इसमें डालेंगे हम, ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ थोड़ा सा, क्योंकि नमक बहुत ज़्यादा हो जाता है जल्दी से चटनी में।
अब इसको हम फटाफट से बंद करके पीस लेंगे, ठीक है। और पीसने के बाद हम इसमें लगाएंगे बघार। बघार कुछ नए तरीके से लगाएंगे, वो भी आप लोग बने रहिए लास्ट तक, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलना, वीडियो को शेयर भी कर देना, और चैनल पर न्यू आ गए हो ना कहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मिडिल क्लास फैमिली के लिए ही बढ़िया बढ़िया रेसिपी लाती रहूँगी, जो कि आप लोग के किचन में ही रखे हुए सामान से बन जाएगी, बाहर से कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये देख लीजिए, मैंने बोला था ना कि डब्बा ख़राब हो गया तो उसमें से बाहर चटनी निकल रही थी, तो मेरे हस्बैंड के लिए मैंने चाय बना दी है, शुगर फ्री चाय, इसमें शुगर नहीं है। और उसके बाद मैंने कहा चलो परोसने के लिए मैंने तैयार कर दिया था सारा सामान, उसके बाद मैंने कहा चटनी में लगाती हूँ छौंक, तभी पे मैंने थोड़ा सा डाल दिया है तेल। कहते हैं कि लोहे की चीज़ का टेस्ट कुछ अलग होता है, इसलिए मैंने तभी पे चौंकने का सोचा। उसके बाद मैंने आधी ली है प्याज, तेल थोड़ा गर्म हो गया था तवे पर ही काटती है प्याज, और उसके बाद हम इस पर थोड़ा सा जीरा डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा, और ये प्याज भुन जाएगी ना थोड़ी सी हल्की सी फ्राई हो जाएगी, हमको एकदम फ्राई नहीं करना, आधी कच्ची आधी पक्की ऐसी रखनी है, तो उसका टेस्ट को कुछ अलग ही आ जाता है। तो चलिए थोड़ा सा जीरा हमने डाल दिया है, और जीरे के बाद फिर हम इसको थोड़ा सा चलाएंगे, चलाने के बाद हम इसमें डालेंगे चटनी, चटनी को करेंगे फ्राई। आप लोग ने कभी इस तरीके से चटनी को फ्राई किया है? नहीं किया होगा मुझे पता है, 100% नहीं किया होगा। तो चलिए इस तरीके से एक बार तो आजमा कर देखिए मेरे कहने से। ये देख लीजिए अब हम डालेंगे चटनी। ओह ये क्या हो गया भैया, आग लग गई चटनी में। कोई बात नहीं, चलिए हम इसको चलाएंगे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से, फिर उसके बाद खाने के लिए हो गया रेडी। और मेरे हस्बैंड भी वेट कर रहे थे कि कब आने वाली है चटनी, क्योंकि इसकी खुशबू जा रही थी ना छौंक की, तो बोल रहे थे कितना अच्छा टेस्ट आ रहा है, खुशबू का बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। तो और ये है थोड़ा सा हमारे घर चीज़ रखी हुई थी तो मैं वो भी इसमें डाल दिया। अगर आपके घर पर नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे घर पर रखी थी इसलिए हमने उसका इस तरीके से यूज़ कर लिया। तो चलिए अब चटनी हमारी अच्छे से पक चुकी है, तो चटनी को हम निकाल लेंगे कटोरी में और मेरे हस्बैंड के पास लेके चलेंगे खाना खाने के लिए, क्योंकि वो वेट कर रहे हैं। तो एक बात मैं और आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है, अच्छा लगता है कि नहीं। मुझे पता है आप लोगों को अच्छा लगता है, पर आप लाइक नहीं करते, भूल जाते हो ना, तो एक लाइक ज़रूर कर देना। एक काम करो, सबसे पहले एक लाइक ही कर दो। तो ये देख लीजिए सारी चटनी को मैं निकाल लूँगी इस तरीके से, और गर्मा गर्म चटनी का जो टेस्ट होता है ना, सच बोलना वाई गॉड बहुत ही यमी होता है, बहुत ही ज़्यादा यमी होता है। तो चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को फाइनल लुक हमारे खाने का। तो ये देख लीजिए, ये है पराठा और ये है हमारी चटनी और ये हमारी सुबह की सब्जी थी वो, और ये है चाय। तो हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए, आप लोग भी आ जाइए फटाफट से। मतलब ऐसी कुछ चीज़ें बनती है ना तो ऑटोमेटिक मुँह में पानी आने लग जाता है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।